कौन से जहां, राम राम मधुर धुन वहां। तो आइए जानते हैं केशव के माध्यम से कि किस तरह साधारण जीवन से वो असाधारण जीवन यानी सात सितारा जीवन उन्होंने जीना शुरू किया। केशव कहते हैं कि हर साल हमारी सोसाइटी में 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया जाता है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इस दौड़ में हिस्सा लूं। उसके पीछे मेरा ये भाव ये विचार होता है कि यदि मैं इस 10 किलोमीटर दौड़ में हर साल भाग लेता हूँ तो इतना आसान नहीं 10 किलोमीटर एक दिन में दौड़ना, तो इसके लिए मुझे नियमित प्रैक्टिस करनी होगी दौड़ने की। और यदि मैं नियमित प्रैक्टिस करता हूँ तो स्वाभाविक है कि मैं स्वस्थ भी रहूँगा, फिट फाइन भी रहूँगा, फुर्तीला भी रहूँगा। इस भाव को लेकर मैं उस दौड़ में अपना नाम लिखाता हूँ कि मैं भागूं और स्वस्थ रहूं। दूसरा मेरा विचार ये रहता है कि मैं एक मुश्त दौड़ूं उस 10 किलोमीटर दौड़ को जहां मैंने शुरू की और अंत में 10 किलोमीटर पूरा करके ही रुकूं, बीच में ना रुकूं, लगातार दौड़ता रहूं। तीसरा मकसद मेरा ये होता है कि पिछले साल जितना समय मुझे लगा 10 किलोमीटर दौड़ लगाने में, इस साल मैं देखता हूं उससे कम समय में मैं उस दौड़ को पूरा करूं। इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं उस दौड़ में हर साल भाग लेता हूं। आगे कहते हैं केशव कि 3-4 साल पहले की बात है, हमेशा की तरह हमारी सोसाइटी में उस दौड़ का आयोजन किया गया और हमेशा की तरह मैंने भी उस दौड़ में भाग लिया। इस भाव के साथ कि मैंने नियमित पूरे साल भर अच्छी प्रैक्टिस की है दौड़ने की, तो मैं जब शुरू करूंगा वहां 10 किलोमीटर जाकर ही रुकूंगा, लगातार दौड़ूंगा और पिछली बार जितना समय मेरा लगा था उससे कम समय में मैं वो दौड़ पूरी कर लूंगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इस साल कुछ ज्यादा ही अच्छी हुई थी। मैंने दौड़ना शुरू किया पर मुझे बारंबार बीच बीच में रुकना पड़ा क्योंकि मेरे जूते की लेस बारंबार खुल जाती, उसे मुझे वापस बांधना होता, वापस दौड़ना होता। जब मैंने अंत में अपना समय चेक किया तो जितना मैंने सोचा था कि उतने कम समय में 10 किलोमीटर की दूरी पार कर लूंगा, उतना कम समय मेरा हो नहीं पाया क्योंकि मुझे बार बार उन जूतों की वजह से, उन फीतों की वजह से रुकना पड़ा। केशव कहते हैं कि जब दौड़ पूरी हो गई, हम जब बाहर निकल रहे थे तो मेरे आगे एक जो धावक है, एक्सपर्ट है, जो उनसे मेरा मिलना हुआ और वो मेरे परिचित भी हैं। मैंने उनसे कहा बातों बातों में कि इस बार इस दौड़ में मुझे बारंबार बहुत बार रुकना पड़ा क्योंकि बारंबार मेरा फीता खुल जाता, मैं पुनः बांधता, पुनः भागता, उसमें मेरा अधिकांश समय निकल गया, तो जो मेरा उद्देश्य था इस बार का वो मेरा पूरा नहीं हो पाया। इतना सुनना था कि उस धावक ने मुझसे कहा कि तुम अपने जूते में कितनी गांठे बांधते हो। मैंने कहा 2 गांठे बांधता हूँ और पूरी टाइट बांधता हूँ फिर भी वो खुल जाती है। उस धावक ने मुझसे कहा कि तुम आज से 3 गांठे बांधा करो तो लंबी दूरी की दौड़ तुम आसानी से तय कर पाओगे क्योंकि वो गांठे जल्दी से खुलेगी नहीं। केशव कहते हैं कि व्हाट अ ग्रेट आइडिया, और इस आइडिया ने बहुत जबरदस्त असर किया। इसके बाद जितनी बार भी मैं दौड़ा मैं ध्यान रखता कि 2 के बाद 3 गांठ लगाऊं और एक बार भी, चाहे शॉर्टकट दूरी मुझे तय करनी हो दौड़ में, चाहे लंबी दूरी तय करनी हो, एक बार भी वो गांठे मेरी नहीं खुली। और मुझे आश्चर्य इस बात को लेकर हो रहा था कि आज तक ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया और क्यों मैं इतने सालों से बारंबार परेशान होता रहा कि बारंबार गांठे खुलती, मुझे रुकना पड़ता, मुझे वापस बांध कर दौड़ना पड़ता। मुझे ये एहसास हुआ कि यदि ये आइडिया मुझे नहीं भी आया तो मैं किसी और से सलाह लेकर इस पर काम कर सकता था, जबकि मैं अपनी इस समस्या को लेकर, इस परेशानी को लेकर खुद ही 3-4 साल से परेशान हो रहा था। केशव आगे कहते हैं कि मुझे इस बात का एहसास भी हुआ
कि ये तो परेशानी, ये समस्या तो मेरी खैर दौड़ को लेकर थी, स्पोर्ट्स को लेकर थी। पर हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में समस्याएं, परेशानियां आ सकती हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे आपसी संबंध का मामला हो, ये परेशानियां हमें कहीं पर भी आ सकती हैं। और हम परिस्थितिवश अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं दूसरों से शेयर नहीं करते, अलग अकेले ही जूझते रहते हैं, उसी में घूमते रहते हैं। केशव कहते हैं कि हमें एक सीमित जीवन जीने के लिए मिला है और इस सीमित जीवन में हमें असीमित काम करने हैं, असीमित चीजें सीखनी हैं। पर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम खुद ही सीखें, खुद ही अनुभव प्राप्त करें, फिर उसे अप्लाई करें। तो हमें जब भी किसी की जरूरत होती है, जब भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, हम दूसरों का अनुभव लेकर उसका प्रयोग कर आगे जीवन में प्रगति कर सकते हैं। कहते हैं केशव आगे कि न सिर्फ आप दूसरों का अनुभव लें और आगे बढ़ें, बल्कि खुद आपने भी जो अनुभव चीजें की हैं वो भी दूसरों से शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ साथ जीवन में आगे बढ़ें, अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करें। केशव कहते हैं कि उस घटना के बाद मैंने देखा कि मैं निरंतर आगे बढ़ता गया, क्योंकि फीता खुलता नहीं था, मैं दौड़ता और निरंतर मेरी प्रगति होती जा रही थी। तो मैंने अपने जीवन में तीन प्रिंसिपल अपनाए, केशव आगे लिखते हैं, जिनकी वजह से आज मैं ये जीवन 7-स्टार जीवन जी रहा हूँ। तीन प्रिंसिपल अपने बनाए। पहला ये कि जब भी कोई समस्या या परेशानी का सामना मुझे करना पड़ता, मेरे सामने कोई समस्या या परेशानी आती, तो मेरी कोशिश ये रहती कि मैं खुद समस्या का समाधान खोजूं, उससे बाहर निकलने का रास्ता देखूं। पर जब मुझे कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता तो मैं अपने किसी परिचित से सलाह करता, उनके अनुभव का इस्तेमाल करता, उससे बाहर निकलता। तीसरा, यदि उससे भी बाहर मैं नहीं निकल पाता तो मैं ईश्वर की मदद लेता प्रार्थनाओं के माध्यम से। और मैं देखता जब मैं नियमित प्रार्थना करता उससे, ईश्वर से, कि मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए, मुझे इससे बाहर निकलने का है, नतीजा ये होता कि मुझे कोई ना कोई ऐसा मिल जाता जो मुझे रास्ता दिखा देता और मैं आसानी से बाहर निकल लेता। तो ये मेरे तीन प्रिंसिपल मैंने अपनाए अपनी परेशानियों को, समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। पहला, खुद कोशिश करता, यदि खुद उससे नहीं निकल पाता किसी परिचित की मदद लेता और फिर ईश्वर की मदद लेता प्रार्थनाओं के माध्यम से, और इसकी वजह से मेरा जीवन एकदम सहज सरल होता चला गया। और हमने ये भी देखा है कि इन सात चीज़ों में से हमें कुछ चीज़ें पाने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। यदि हम उसमें से एक या दो चीज़ें भी पा लेते हैं, जैसे केशव ने पाई सहजता सरलता, कि समस्याओं का समाधान होता गया, जीवन सरल होता गया, तो बाकी चीज़ें अपने आप ही आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है।